साइड हो जा, साइड हो जा, इधर साइड हो। सीधे अंदर, सीधे अंदर। ये जो है वहाँ बिजली ठीक करने के लिए हमारे डिलीवरी जो है, इससे पहले भी ये कई हादसे जो है वो बिजली डिपार्टमेंट के साथ हुए हैं, क्योंकि कई हमारे डिलीवरी जो लोग हैं वो जाते इतनी बड़ी रिस्क लेके, तो वो खंभे पर चढ़ के अपनी लाइट जो है वो आवाम की बहाल करते हैं। इसलिए ये डिलीवरी बंदा तकरीबन 25 साल से डिलीवरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो इसको डिपार्टमेंट ने लेके वहाँ जाके वहाँ काम करने के लिए, और पीछे से किसी ने बिजली जो है छोड़ दी और उसके आज उसके जो है वो डेथ हो चुकी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इससे पहले भी डिलीवरी के साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया, चाहे वो PHE का डिलीवरी है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का डिलीवरी है। उन्होंने कई लोगों ने अपनी फैमिली जो है वो गवा बैठे, कई बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए, कई औरतें जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं। हमारी गवर्नमेंट ये के साथ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हमारा काम जो है वो डिलीवरी का करे, और इस डिलीवरी जो नसीर अहमद की जिसकी डेथ हो चुकी है वहाँ, इसके परिवार को इंसाफ मिले और उसकी फैमिली का एक बंदा जो है वो इसमें नौकरी में लिया जाए और उसको पूरा जो है वो इसका क्लेम दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ ये जो है बेइंसाफी हुई है। और वो आज नौजवान जो है 25 साल से यहाँ इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए आज अगर उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका जो है वो डिपार्टमेंट उसके साथ उसकी फैमिली के साथ जो है वो इंसाफ करते। अभी 10:50 पे दो पर्सन लाए हैं जो गिरसाई मोड़ साइड उस एरिया में कहीं इलेक्ट्रिक पोल पे थे और वो कहीं रिपेयर वर्क कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, एक बंदे की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, उसको इलेक्ट्रिक बर्न्स भी हैं और हेड इंजरीज के भी उसको साइंस हैं। उसका नाम नसीर हुसैन सन्नाफ लाल सेन है, 45 ईयर्स, ये गिरसाई रूनी का रहने वाला है। दूसरा पर्सन जो है ये अब्दुल रहमान सन्नाफ गुलजार हुसैन, 40 ईयर्स, ये अड़ी साइड के हैं, ये ट्रांसफार्मर रिपेयर का काम करते हैं। ये उधर साइड पे खड़े थे और जैसे उनको उनने देखा उनको कि वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और गिर गया, उससे वो देखते ही उनको शॉक हो गया और वो लाए हैं। वो सिम्टोमेटिकली ठीक हैं, हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है। दूसरे का पोस्टमार्टम करके हमने डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है।